हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस का पेपर हुआ है, बीएफए एंट्रेंस का, जिसमें थ्योरी पेपर पूछे गए हैं। और बता दूँ कि 50 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जाहिर सी बात है कि जो लोग एग्ज़ाम दिए उनके पास तो क्वेश्चन सीट तो हो गई, क्योंकि वो एग्ज़ाम दे के आए हैं। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, वो लोगों को जानना है कि क्या पूछा गया था थ्योरी पे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ जो कल एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और साथ ही आंसर्स भी बताऊंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, बहुत लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए होंगे तो आंसर मैच करना होगा, तो आप मैच कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को आंसर भी बताऊंगी। और साथ ही एक बात ज़रूर कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं और बीएफए एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो ज़रूर आज का जो मैं पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो पेपर स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें। और सिर्फ देखें ही नहीं, उसको लर्न भी करें। ऐसा ये नहीं सोचे कि आप कोई अलग यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं तो फिर ये अलग यूनिवर्सिटी है, ये सोच के नहीं। क्योंकि है तो बीएफए का, भले ही किसी यूनिवर्सिटी का हो, पर क्वेश्चन तो बीएफए का है, क्वेश्चन तो आपके कोर्स का है। तो इसलिए ज़रूर देखिएगा, और सिर्फ देखिएगा नहीं, लर्न भी कीजिएगा, ताकि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ मैं कि लगभग क्वेश्चंस गाइस, लगभग क्वेश्चंस जितने भी मैं सिलेबस पढ़ाया है मैंने, सारे सिलेबस से मैच थे। 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें से मैंने देखा है 48 क्वेश्चंस सिलेबस से थे। सिर्फ दो क्वेश्चंस थे जो मैंने पढ़ाया उससे आउट ऑफ था, बाकी जितना भी मैंने सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस जो भी जीके से मैंने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा रखी, तो सब चीज़ों से आया था क्वेश्चन, सारी चीज़ों से। तो वही मेरा सिर्फ यही कहना है कि मोस्टली क्वेश्चंस गाइस सिलेबस से आता है। अगर आप लोग मेरे चैनल से देख के पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ज़रूर उसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, अगर अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे फ्री में सारे वीडियोस अपलोड करा है मैंने और आप लोग को फ्री में मिलता है। तो प्लीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। और अभी स्टार्ट करने से पहले, पेपर स्टार्ट करने से पहले, प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं आप लोग और अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन बैक टू बैक मिलते रहे। क्योंकि यहाँ पे आपको बीएफए से रिलेटेड सारी जानकारी ही मिलती है, और सारी जानकारी ही नहीं, यहाँ पे आपको प्रिपरेशन भी करवाया जाता है, सारी जो भी अपडेट्स आते हैं बीएफए को लेके, अलग अलग यूनिवर्सिटी को लेके, वो सब भी दिए जाते हैं कि कैसे क्या क्या निकलेगा, क्या आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अभी आपके स्क्रीन पे शो कर रही होगी, mesi_paper के नाम से। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आज का जो एग्ज़ाम हुआ था, थ्योरी एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन आंसर है। तो जिन लोगों को मैच करना है वो मैच कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, समकोण कितने अंश पर बनता है। ठीक है, समकोण कितने अंश पर बनता है, तो जाहिर सी बात है 19 डिग्री, बी इज़ द राइट आंसर। सेकेंड में है, पल्लव रथ मंदिर कहाँ है, तो सही आंसर होगा सी, महाबलीपुरम। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हड़प्पा सभ्यता इनमें से जो है ईंटों का उपयोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ईंटों का उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो भारत भवन संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है, डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फाइव नंबर, इनमें से त्रियामी कला कौन सी है, तो इनमें से त्रियामी कला जो है वो है मूर्ति कला। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, भीम बेटिका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक है, तो भीम बेटिका की जो गुफाएं हैं वो भोपाल शहर के नज़दीक है। नेक्स्ट आते हैं सेवन नंबर, सांची स्तूप कहाँ स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है एट नंबर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नाइन नंबर, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो बादामी गुफाएं जो है
वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो हरा, ऑप्शन बी। हरा जो रंग है प्राथमिक रंग यानी प्राइमरी कलर नहीं है, लाल नीला पीला प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट 11 नंबर, अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 30, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 30 गुफाएं हैं। नेक्स्ट है 12 नंबर, नाचती हुई लड़की कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला का अवशेष है? तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 13 नंबर, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो थे वो मूर्तिकार थे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 14 नंबर, बनी ठनी चित्र संबंधित है, मतलब बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ शैली से, ऑप्शन सी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। नेक्स्ट 15 नंबर, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य थे, ठीक है, तो कौन थे? तो होगा ऑप्शन ए नथेलियम हर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16 नंबर, ऊपर जाती हुई रेखाओं को क्या कहते हैं? तो ऊपर जाती हुई रेखाओं को ऑप्शन बी होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी, 16 का बी है। नेक्स्ट 17 नंबर, अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की जो चित्रकला है, ऑप्शन डी बौद्ध जातक कहानियां, जानते ही अजंता में, अजंता बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ और बौद्ध जातक कहानियां दिखाई गई है अजंता में। नेक्स्ट 18 नंबर, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो जाहिर सी बात है तीन प्रकार के होते हैं, लाल नीला पीला। नेक्स्ट 19 नंबर, भारत में घनवाद किसे कहा जाता है? यहाँ भारत पूछ रहा है, तो भारत में जो घनवाद है वो ऑप्शन ए होगा, गगनेंद्रनाथ को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, रंगीन कांच की खिड़कियां संबंधित है, तो रंगीन कांच की खिड़कियां गोथिक कला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और सारे ही के सारे क्वेश्चन गाइस जो भी मैंने सिलेबस में पढ़ा है सारे मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट 22 नंबर, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो राजा रवि वर्मा का जन्म जो है वो केरल में हुआ, ये भी बताया मैंने। नेक्स्ट 23 नंबर, अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ? ठीक है, यहाँ पर डेट पूछ रहा है, अमृता शेरगिल का जन्म जो है आंसर होगा 1913 में हुआ, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24, रॉक गार्डन कहाँ है? तो रॉक गार्डन जो है आपका बी होगा, चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, चित्रकला के कितने तत्व है? तो जाहिर सी बात है चित्रकला के 6 तत्व है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अजंता गुफाओं का कब पता चला है? तो अजंता गुफाओं का पता 1819 को चला है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वंदे मातरम किसने लिखा है? देखिए मैंने कहा था कि नारे से भी आते हैं, तो वंदे मातरम जो है, बताया भी है मैंने अपने पीडीएफ में कि वंदे मातरम किसने लिखा है, तो सही ऑप्शन होगा बमकिन चंद्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर, कुतुब मीनार कहाँ है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, और आप देख सकते हैं कि सब चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखे हैं, ग्रंथ से पूछा गया है, ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ, ये सब भी मैंने बता रखे हैं आप लोगों को, तो सारे क्वेश्चन जो गाइज यहाँ पे है सिलेबस से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एलोरा की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, मिर्जापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा रंग ठंडा होता है? तो सही ऑप्शन है नीला, नीला रंग ठंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 34, मोनालिसा किस कलाकार की कृति है? तो जो मोनालिसा है वो विंची, नंबर ए विंची की कलाकृति है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भागवत पुराण
किनकी कहानी है? तो जो भागवत पुराण है वो कृष्ण की कहानी है, भागवत पुराण में कृष्ण के बारे में जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम भारतीय कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो मद्रास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में तेल रंग की शुरुआत किसने की? तो नो डाउट डी, राजा रवि वर्मा ने की है। नेक्स्ट 38 नंबर, कौन सा एम एफ हुसैन का चित्र है, यानी पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा चित्र जो है वो एम एफ हुसैन का है? तो मदर ट्रेसा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो सबको पता ही होगा 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, भीतरगांव मंदिर कहाँ है? तो भीतरगांव मंदिर कानपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से विष्णु का वाहन कौन सा है? तो विष्णु का वाहन जो होगा वो होगा गरुड़, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, उस रंग का चयन कीजिए जो गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नीला, नीला जो है वो गर्म रंग का हिस्सा नहीं है। देखिए कलर से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर से ही। नेक्स्ट 43, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म 1882 में हुआ था, और ये आपको ये सारी चीज़ें 43 नंबर चैप्टर 11 में मिलेगा। नेक्स्ट है 44 नंबर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी आकृति है? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किनकी आकृति है? तो सही आंसर है राम सुतार की आकृति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर, पिछवाई चित्र राजस्थान के मूलतः किस नगर से हैं? तो सही आंसर होगा नाथद्वार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर, गोरखपुर किस लिए जाना जाता है? तो जो गोरखपुर है वो टेराकोटा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं होता? कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं होता? तो भूरा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भूरा इंद्रधनुष का रंग नहीं होता। नेक्स्ट 48 नंबर, जे आर्ट्स कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जे आर्ट्स कॉलेज मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, लखनऊ कला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो सही ऑप्शन होगा 1911 में हुई है। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मुगल कला के चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय में हुआ? तो जहांगीर के समय में हुआ। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जितने भी 50 क्वेश्चंस हैं सब सिलेबस से पूछे गए हैं, और सारे मैंने आप लोगों को पढ़ा के रखे। अगर आप लोग मेरा सिलेबस कंटिन्यूसली देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन जो होंगे मैच कर रहे होंगे। आप एक बार जाके मैच ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों को डाउट है कि सही करा है कि नहीं करा है, वो लोग भी मैच ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो मुझे इतनी ही बताना था। कल की वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ आप लोग के साथ उपस्थित होंगे आप लोग के सामने। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।